गाजीपुर में बस में हाई टेंशन तार गिरने से कई लोगों की झुलसकर मौत हो गई। इस घटना के बाद जो तस्वीरें सामने आई उन्हें देखने के बाद हर कोई हैरान रह गया। इस बीच बस में मौजूद एक महिला ने मीडिया को आंखों देखी सुनाई। दरअसल बस में चालक की सीट के ठीक बगल में खिड़िया खाजा के राजदेव की पत्नी विमल बैठी हुई थी। जब बस में करंट का झटका लगना शुरू हुआ तो चालक को तड़पते देखकर वो चिल्लाने लगी, जिससे सभी सचेत हो गए। इसके बाद सब ने बस से कूदना शुरू कर दिया। महिला ने बताया कि बस के चालक के बगल में वो बैठी हुई थी। बस से तार छूने के बाद चालक इसकी चपेट में आकर तड़प कर कंपन करने लगा। ये देख विमल चिल्लाने लगी और दौड़कर बस के पीछे पहुंच गई। उसने बताया कि बस की खिड़की से करीब 5-6 बच्चों को उसने गेहूं के खेत में फेंक दिया। इसके बाद आग की बढ़ती लपटों को देखकर वो खुद भी कूद गई, जिससे वो बाल बाल बच गई। विमल ने बताया कि बस में एक महिला सवार थी जो दिव्यांग थी। बस में आग लगने के बाद उसी महिला को बचाने लगी, उसे सहारा देकर बाहर निकालने का प्रयास किया, लेकिन आग की लपटें इतनी तेज थी कि वो मदद न कर सकी। इस हादसे में कई लोग झुलस गए, वो दिव्यांग महिला भी पूरी तरह से झुलस गई थी।